हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं उन लोगों के लिए विजय पथ पर आपका स्वागत है, और जो लोग पुराने हैं उनका स्वागत तो हमेशा से रहता है। तो अभी हम लोगों का चल रहा है मॉक वीडियो। मॉक वीडियो में क्या करना है, स्पीड के साथ सवाल लगाना है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज में, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 20 तक, जैसे डायरेक्शन हो गया, ये जो स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है, इस टाइप के सवाल बचे हुए थे, ठीक है? तो ये सब मॉक में करवा रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट की वीडियोस पहले देख लो 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद से वीडियो नंबर 21 से मॉक शुरू है। मॉक सारी लगा के जाना, बिना मॉक के लगाया फिर ना हो पाएगा भाई, फुल बाय फुल पाना है ना, तो मॉक तो लगाना पड़ेगा। तो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो तो भैया, ये है स्क्रीन पे तुम्हारा आ गया है सवाल। इस टाइप के सवाल को कैसे लगाया जाता है, इस टाइप के सवाल को कैसे लगाया जाता है? मेरा ये है कि पेयर बना लो, पेयर बना लो, जैसे कि सबको काउंट कर लो, पहले पहले सबको काउंट कर लो कि कितने लेटर्स हैं, सबको क्या करना है, काउंट कर लो कि कितने लेटर्स हैं, पूरे ये पूरे यहां से लेकर के यहां तक कितने लेटर्स हैं, सबको पहले काउंट कर लो, फिर उनको छोटे छोटे में डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद से देख लो क्या सही है क्या नहीं सही। ये अपना तरीका है। फिर मेरा ये तरीका है कि मान लो अगर ये ऐसे मैंने कर लिया, अभी आगे बताता हूं कैसे करना है, अभी तो ये बस हवा में बस बातें बोल रहा हूं, बातें बोल रहा हूं मैं। इसको करने सबसे पहले काउंट करते हैं, चलो लगाते हैं, बीच में बताएंगे, ठीक है? क्या क्या है क्या नहीं है, अभी करेंगे साथ में समझ आया। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले काउंट कर लो, पहला स्टेप काउंट कर लो। कोई भी अगर ऐसा सवाल तुमको दिख रहा है तो सबसे पहले काउंट कर लो कितने लेटर्स आएंगे, कितने लेटर्स आएंगे भाई, काउंट कर लो। तो सबसे पहले जो लिखा है उसको काउंट कर लो, एक बी हो गया, एक फिर दो फिर तीन चार पांच छह सात, मतलब 7 लेटर लिखा हुआ है, प्लस कितना है भाई, गैप कितना है, फिल इन द ब्लैंक्स कितना है, 1 2 3 4 5, 5 तो कितना हो गया, 7 5 12। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं? यस और नो, ठीक है? ऐसे काउंट कर लो टोटल नंबर कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, आ गया हमको भाई 12 है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब इस 12 को छोटे छोटे पेयर्स में डिवाइड कर दो, या तो तीन तीन के पेयर में कर लो, या तो तीन तीन के पेयर में कर लो, 3 चौकी 12, या तो चार चार के पेयर में कर लो, 4 को 3 ही बार लिखना पड़ेगा, 4 4 4 4 4 के पेयर में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? चलो, अब मान लो तुमने 4 4 के पेयर में तुमने डिवाइड कर लिया, तो बी स्पेस हो जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, वाई फिल इन द ब्लैंक्स, 4 हो गया। अब उसके नीचे आ जाओ, फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है? यहां तक कर लिए, तो यहां तक तुमने लिख लिया, चलो फिर स्पेस रहेगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर बी लिखा हुआ है, फिर वाई लिखा हुआ है, फिर स्पेस लिखा हुआ है, अच्छा तो 4 4 हो गया। फिर लास्ट का 4 लिख लो, बी फिर स्पेस फिर वाई, और यहाँ पे लिखा है टी, यहाँ पे लिखा है टी। तो भैया अब इसी को देखना है, तुमने 4 4 के पेयर को बना लिया, 4 4 के पेयर को बना लिया, ठीक है? अब तुमको ये फिर इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो मैं अगर देख रहा हूं, अगर नॉर्मल अगर तुम देखोगे इस टाइप के सवाल को लगाने का, तो तुमको नॉर्मल यहां से हिंट मिल जाता है भाई, यहाँ पे टी है, यहाँ पे देखो वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, अच्छा तो मतलब कि यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी होगा, और यहाँ पे भी टी होगा, यही तो है, यही तो है। फिर देखो ये पूरा वाई 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 हो गया, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा, फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ यहाँ पे भी बी होगा, ठीक है? तो क्या होगा अपना, क्या होगा, पहले स्पेस में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, फिर ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, फिर इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो अपना क्या आंसर हो गया, बी टी बी टी बी बी टी बी टी बी। कई बार ऐसे होता है कि जब हमें नहीं पता ना भाई कि 4 को रख, भाई हमें या तो पता है भाई, या तो 3 का पेयर रख लें या तो 4 का पेयर रख लें, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा 3 वाला रखें कि कब 4 वाला रखें, हमें नहीं पता होता है, ठीक है? तो क्या किया करो, बड़े वाले नंबर को एक बार ट्राई कर लिया करो, जैसे मैंने अभी ट्राई किया है, ऐसे ट्राई कर लिया करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करना है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बना लेना, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बना लेना, और एक एक ऑप्शन उठा के रखते चले जाओ, फिर तुमको अपने आप दिख जाएगा भाई कौन सा सही है। जब एक एक ऑप्शन उठा के रख दोगे ना, तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ऐसे कर लेना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन उठा के रख देना, तब हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा, मगर हो जाएगा, ठीक है?
बीटी बीटी भी कहाँ है भाई, बीटी बीटी भी यहाँ पे है, बीटी बीटी भी यहाँ। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये वाला कोशिश करो, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, मैं भी लगाता हूँ, मुझे भी नहीं पता भाई क्या करना है। मुझे बस इतना पता है भाई, इसको काउंट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको काउंट कर लेंगे, तो टोटल काउंट कर लेंगे कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर हैं, और कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 10 4, हो गया 16। तो चार चार के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं भाई, चार चार के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं। तो ए सी सी डैश, फिर बी सी डैश ए, फिर डैश सी सी बी, फिर बी सी सी डैश। तो भाई इस हिसाब से अगर जैसे पिछले वाले में देखा हूं, इसको भी मैंने चार चार में डिवाइड कर दिया, 16 था, इसको भी मैंने चार चार में डिवाइड कर दिया। ट्राई कर लेते हैं भाई, इसमें देखो सी 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 इसमें भी पूरा लिखा हुआ है, सी 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 इसमें भी लिखा हुआ है, तो मतलब यहां भी सी लिख दिया जाए, लिख दिया जाए और क्या। मगर यहां पे देखो, यहां पे नहीं है, यहां पे सेम नहीं है, जैसे यहां पे ए लिख दिया है, यहां पे बी लिख दिया है, सेम होता तो भर देते, कोई दिक्कत ना थी, मगर यहाँ चेंज हो गया है। फिर यहां पे भी ये बी यहां पे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे ए था ना, ए के बाद बी आ गया है, बी के बाद मेरे ख्याल से यहां पे ए आना चाहिए, यहां पे ए आना चाहिए। देखो एक पैटर्न बन रहा है ना, एक पैटर्न बन रहा है, इसके बाद देखो एक पैटर्न बन रहा है, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद फिर इन द ब्लैंक्स है, फिर इन द ब्लैंक्स के बाद फिर बी आ जा रहा है यहाँ पे, तो ए के बाद बी, बी के बाद ए आया होगा, ए आया होगा, ऐसा चांसेस है, फिर ए के बाद फिर बी आ गया होगा, ठीक है। फिर देखो इसको, देखो सी है यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स है, तो मैंने सी पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सब सेम दिख रहा है और यहाँ पे भी सब सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। तो मतलब बीच वाले जो दोनों लाइन है, यहाँ पे सी सी दोनों सेम हो गया है, यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे भी ए के बाद क्या है, ए के बाद बी आया, और बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, और ए के पहले क्या आया होगा, बी आया होगा, अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ऐसा ऑप्शन में आया है क्या, पहले हम लोग को ये पता नहीं कि जो मैंने फिलअप किया वो कन्फर्म है कि नहीं, कन्फर्म ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं, ये कन्फर्म नहीं है अभी, पर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया है। आया है बी, पहले फिर इन द ब्लैंक्स में आया है बी, फिर दूसरे में आया है सी, सी आ गया, फिर आया है हम लोगों का ए, फिर आया है हम लोगों का ए, फिर आया है हम लोगों का ए। तो बी सी ए कहीं आया है क्या, बी सी ए कहीं आया है क्या, बी सी ए भी नहीं, बी सी ए भी नहीं, बी सी ए देखो इसमें आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो हो गया, देख रहे हो ना। तुम क्या करो, मैं क्या कहता हूं, अगर कोई भी नंबर हो 12 होता है यार, हम देखो मोस्टली या तो 12 वाला आ जाता है या तो 16 वाला आता है, चार चार का ऐसे पेयर बना लेना, चार चार का पेयर बना लेना, अगर ऐसे सेट हो गया, बन गया, तुमको ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तब क्या करना है, एक एक ऑप्शन को उठा के पुट कर लेना, फिर देखना किसमें किसमें पैटर्न बन रहा है, अगर पैटर्न सेम बन रहा है तो जो जिसमें एक ही बनेगा, एक ही ऑप्शन में पैटर्न सेम बनेगा तो वही ऑप्शन को लगा लेना, वही हो जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, चलो ये कोशिश करो, ये भी कोशिश करो। क्या करना है सबसे पहले, सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है, काउंट कर लेते हैं भाई। चलो भाई काउंट करते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है, 12 लेटर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स कितना है, 1 2 3 4, 4 भैया कितना हो गया, 16। देखो या तो 12 का आता है या तो 16 का आता है या तो कुछ कुछ भी आ जाए यार, पेयर चार चार का बना लेना या अपने सुटेबल के अनुसार बना लेना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक एक ऑप्शन उठा के पुट कर देना बस। चलो 16 का है, चार चार का बनाएंगे, ठीक है। चलो बी सी ए फिल इन द ब्लैंक्स, फिर बी फिल इन द ब्लैंक्स, ए ए, फिर आगे चलते हैं, यहां तक हो गया है, यहां तक हो गया है, फिर यहां पे बी सी वाला, चलो बी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ए फिल इन द ब्लैंक्स, अरे ये क्या हुआ भाई, कितना है, 16 है ना भाई, बी सी ए फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर बी और फिल इन द ब्लैंक्स ए हो गया, फिर बी सी है यहाँ पे, चल गया यहाँ पे बी सी है, बी सी, चलो हाँ चलो, तो बी के बाद सी आ गया, बी और सी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको इरेज कर देते हैं यार,
ध्यान से लिखा करो भाई, ऐसे एग्जाम में गलती मत कर देना, तुम मत गलती कर देना, ठीक है। ध्यान से इसको लिखो, वही उतारना है, बी सी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर क्या है, ए है, फिर क्या है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, सी है, फिर ए है और ए है। भाई जहां तक मैं देख रहा हूं, बस इसको पहले वाले लेटर को देखो, यहां पे भी बी आया है, यहां पे भी बी आया है, यहां पे भी बी आया है, तो यहां पे क्या आएगा, बी आया होगा, बी आया होगा। और फिर वैसे देख लो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे भी सी आया होगा, यहाँ पे भी सी आया होगा। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए आया होगा। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए आया होगा। बन गया कि नहीं बन गया, क्या आया भाई, फिर ब्लैंक क्या आएगा, ए आया, सी आया, सी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया। ए सी ए बी, ए सी ए बी है क्या, कहें ए सी ए बी, ये नहीं है, ये नहीं है, ए सी ए बी है। देखो कितना इजी है, कितना हार्ड क्वेश्चन था और कितना इजी वे में हो गया। पेयर बना के ऐसे सिस्टमेटिक वे में ऐसे लिखोगे ना, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मजा आया, मजा अगर आ रहा है तुमको, ट्रिक अच्छा लगा ये, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को दोस्तों में जरूर शेयर करना। कोई भी अगर तुमको सवाल नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप में अपने सवालों को पोस्ट करो, दोस्तों से बात करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई बताओ ये। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर। अच्छा, कौन सा फॉर्म नहीं होगा? अभी तक इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग देखते थे कौन सा फॉर्म होगा, अब क्या देख रहे हैं, कौन सा फॉर्म नहीं होगा। तो बताओ भाई, जल्दी बता दो, 1 सेकंड लगेगा, बता दो फटाक से, तुम बताओ बताओ। नंबर, एन यू एम बी ई आर, नंबर फॉर्म होगा, एन यू एम बी, भाई यू तो है ही नहीं, यही नहीं फॉर्म होगा भाई, ये तो मिल गया भाई, ये तो पहला ही ऑप्शन था, यू है ही नहीं, यू है ही नहीं यहाँ पे, बाकी है, बाकी सब फॉर्म हो जाएगा, नंबर फॉर्म नहीं होगा, यही जवाब है भाई, यही तो आंसर है, ये तो मिल गया ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन देखे हो गया। चलो अब एनिवर्सरी का देख लो भाई, BIEWER YSTE, तो इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, ये भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्म नहीं होगा। तो वाई ए आर एन फॉर्म होगा, वाई भी है, ए भी है, आर भी है और एन भी, हाँ ये होगा, ये फॉर्म होगा। वेरी होगा, वी है, ई है, आर है, वाई है, ये भी होगा, फॉर्म होगा। सेव है, एस ए बी ई, हाँ ये भी होगा। वी आई डब्ल्यू फॉर्म, डब्ल्यू तो है ही नहीं भाई, ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्म नहीं होगा, ये वाला वर्ड इस वाले वर्ड के लेटर से नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला यू, क्यों, क्योंकि W नहीं है, कहां नहीं है, यहां पे नहीं है W, ठीक है, समझ में आया। अब ये वाला करो, यही सेम सेम क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्म नहीं होगा, कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो इसको करो, कौन सा फॉर्म नहीं होगा, कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा, FAME, ठीक है, MRM, सही, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा, इसमें जो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड के लेटर से फॉर्म नहीं होगा, है तुमको अब जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में बताओ, दूसरों का मत देखो, अपना देखो, ईमानदारी से बताओ, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, विजय पथ पर आपका स्वागत, अब अभी नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा, विजय पथ पर आपका स्वागत, नेक्स्ट वीडियो में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, चैनल को क्या करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपका स्वागत करते हैं अच्छे से वहां पे, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चलो बाय बाय।